नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मोतिहारी में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे गांव के बगल की कुआं में फेंक दिया। खेत में काम करने जा रहे ग्रामीणों ने किशोरी की कुआं से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को कुएं से निकालकर मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है। वही किशोरी के द्वारा लगातार बयान बदलने के लेकर पुलिस इस मामले में पूरी तरह से कंफ्यूज है। हालांकि घटना मोतिहारी के पीपरा थाना क्षेत्र के बाबूटोला गांव के पास की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार को ग्रामीण कुआं की तरफ जा रहे थे, इसी बीच कुआं से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। कुआं के पास जाकर देखा तो कुएं के अंदर एक युवती पड़ी हुई है, लगभग घुटने भर पानी थी। उसे खड़ी देखकर ग्रामीणों ने पिपरा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को सूचना दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवती को बाहर निकालकर इलाज के लिए मोतिहारी भेज दिया। वही महिला थाना अध्यक्ष सुषमा कुमारी ने बताया कि पिपरा थाना क्षेत्र से एक किशोरी आई है, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आ रही है। पीड़ित कुछ भी नहीं बता पा रही, जो भी बोल रही है उससे वह अगली बार बदल रही है। वह पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़ित की उम्र करीब 17 वर्ष बताई जा रही, अभी डरी हुई लग रही है। शाम के एक बार फिर उससे पूछताछ किया जाएगा, इसके बाद ही पूरी बात सामने आ पाएगी और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पिपरा थाना क्षेत्र के कुआं से बरामद किशोरी को सदर अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहे है। वही डॉक्टर एस एम सिंह ने बताया कि उसके साथ सामूहिक रेप किया गया है। महिला डॉक्टर को बुलाया गया और जांच के बाद ही पूर्ण तरीके से आगे की क्या मामला है सामने आ पाएगी। कहा जा रहा है कि कुछ लोग उसको रेप करके कुआं में फेंक दिए थे। अस्पताल में आई है, उसका समुचित इलाज हम लोग कर रहे हैं। लेडी डॉक्टर से, फिजिशियन से उसका एग्जामिन करा देंगे। कहीं शरीर में जख्म? वो तो लेडी डॉक्टर देखेंगे तब बताएंगे। प्राइवेट पार्ट से कहीं जख्म है कि नहीं, कहीं चोटों का निशान, वो तो उस पर उन्हीं का कमेंट होगा। जैसे प्राइवेट पार्ट वगैरह में कुछ जख्म वगैरह है कि नहीं, चोट है कि नहीं, तो एग्जामिन करेंगे तब बताएंगे। कुआं में भी फेंका गया था, कहाँ तो जा रहा है।